देखिए ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं यौन शोषण के आरोप ही बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं गंगा में बहाने का मेडल जो देश के मेडल थे वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी, और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। और दूसरी चीज जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ी, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है, तो उनको मुझे लगता है मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और मेरे पास कोई पद नहीं है क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि मैं भी अध्यक्ष WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है, जिन पदों की वो बात कर रही है उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे महिला पहलवान आंदोलन के दौरान चेयरमैनी का पद हो, मेरे पास आज कोई पद नहीं है, नहीं तो मैं साक्षी